कमीशन यानी कि सीआईसी ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सीआईसी ने अपने एक अहम फैसले में सरकार को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने होंगे। सीआईसी ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करे जिन्होंने अपील की थी कि उनके नाम जाहिर ना किए जाए। यहाँ बता दें आपको कि साल 2018 में मोदी सरकार ने इस दावे के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। इस राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। मोदी सरकार ने व्यवस्था दी थी कि कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद के राजनीति दल को चंदे के रूप में भी दे सकता है। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त होती है। हालांकि उस वक्त इस पर विवाद भी हुआ था और कई जानकारों ने कहा था कि इससे चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और विदेश चंदा भी सियासी पार्टियों को आसानी से मिलने लगेगा। इस मामले में रिजर्व बैंक ने भी सरकार को चेताया था, लेकिन उस वक्त रिजर्व बैंक की सलाह को मोदी सरकार ने किनारे रख कर इसे जारी किया था। बता दें आपको कि आरटीआई एक्ट के तहत डाली गई एक अपील को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में सीआईसी ने वित्त मामलों से संबंधित विभाग, रेवेन्यू विभाग और चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सीआईसी ने पूछा है कि आरटीआई के तहत जानकारी मांग रहे अपीलकर्ता को अधूरी जानकारी दे रहे और उन्हें भटकाने के लिए आखिर क्यों नहीं आप पर जुर्माना लगाया जाए। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।